आज हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले आजादी के इन सेनानियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं। आजादी का वो एक दौर था जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दे देश को ब्रिटिश शासन से आजाद कराया। आजादी के 75वें वर्ष में भारतीय रेलवे पर स्वतंत्रता संग्राम में 75 चिन्हित स्टेशनों एवं 27 ट्रेनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सप्ताह भर चलने वाले समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिम रेलवे मना रही है आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का सेलिब्रेशन, जहां आजादी के दौर की उन धरोहरों को जनता के साथ साझा किया जा रहा है जो पश्चिम रेलवे से जुड़े हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर यहां पश्चिम रेलवे द्वारा समर्पित स्टेशन है। साबरमती यहां स्थित है बापू का साबरमती आश्रम, जो 1917 से 1930 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बिंदु रहा और अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत साबरमती मल्टी मॉडल हब बनाया जा रहा है जो बापू के दांडी मार्च की थीम पर आधारित है। नवसारी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। नवसारी के पास स्थित दांडी के तट पर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, तो वहीं बारडोली जुड़ा है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारडोली सत्याग्रह से। आनंद के निकट अदास रोड का भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। गांधी जी के अहिंसा के आदर्शों पर चल देश के सपूत शहीद हुए। इस आइकॉनिक वीक में पश्चिम रेलवे ने राष्ट्र के प्रति अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं परिजनों को सम्मान देते हुए उन्हें महत्वपूर्ण स्टेशन पर आमंत्रित किया और ट्रेनों की स्पॉट लाइटिंग नामक कार्यक्रम के तहत उनके द्वारा आजादी की रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही देश की जनता को इस सेलिब्रेशन से जोड़ने के लिए विभिन्न आयोजन किए गए। जन भागीदारी और जन आंदोलन की समग्र भावना के अंतर्गत इस सप्ताह के दौरान एक यंग, न्यू और आइकॉनिक इंडिया की आकांक्षाओं और सपनों के साथ अतीत के स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और गौरवों के संगम को प्रदर्शित किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे आजादी के अमृत महोत्सव पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन आयोजन के जरिए देश के अमर सपूतों को नमन करती है।